हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्यंजन द कुकरी क्लासेस बाय शेफ मीरा रस्तोगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ बहुत ही खास रेसिपी। मेरे देहरादून की स्पेशलिटी है ये पाइनएप्पल कोरी, जो पाइनएप्पल स्लाइसेस से बनती है। आज के इंग्रेडिएंट्स बता दूँ: पानी, पाइनएप्पल जूस, आइस क्यूब्स, आइसिंग शुगर, पाइनएप्पल स्लाइसेस क्रश किए हुए, लेमन जूस, चंकी चाट मसाला, काला नमक और पुदीना की पत्ती बारीक कटी हुई। इन सब के मेज़रमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। हाफ कप पाइनएप्पल जूस लेंगे, हाफ कप ही वाटर लेंगे, 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर, कोई भी आप घर का बड़ा चम्मच ले सकते हो और कोई भी चाय वाले कप का हाफ करके मेज़रमेंट कर सकते हो। हाफ टी स्पून काला नमक डाला इसमें और हाफ टी स्पून ही चंकी चाट मसाला डालेंगे। ये 2 लेमन जूस है और इसमें मिंट लीव्स क्रश करी हुई डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और फिर हम इसे गिलास में इन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारा मिक्स हो गया है, अब मैं इसे गिलास में इन्वर्ट कर लेती हूँ। 3/4 भरेंगे हम गिलास को और इसके अंदर आइस क्यूब्स डालेंगे। आइस क्यूब्स हम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना हमें ठंडा पीना है। वैसे बच्चे तो अधिकतर चिल्ड ही पसंद करते हैं, तो हम 6 to 7 आइस क्यूब्स डाल लेंगे इसके अंदर। थोड़े से पाइनएप्पल स्लाइसेस डाल देंगे। आप भी पियेंगे फ्रेंड्स, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको हमारे देहरादून की याद आएगी। ये चलिए अब बनकर तैयार हो चुका है, अब मैं इसे गार्निश कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार है पाइनएप्पल कोरी, मेरे देहरादून की खासियत। देखते रहिए व्यंजन द कुकरी क्लासेस बाय शेफ मीरा रस्तोगी। फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।